नमस्कार दोस्तों, जय माता की। आप देखिए, आज रामनवमी है। रामनवमी की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज रामनवमी है, रामनवमी के अवसर पर ज्यादा भीड़ तो यहाँ पे नहीं है, ना मैंने किसी को बुलाया है और कोई जाता जाता भी नहीं है किसी के घर। तो आज देखिए, मैं आपको जवारों का विसर्जन दिखाऊंगी और सारी पूजा दिखाऊंगी। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारी माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप। माता रानी के दर्शन कीजिए और ये माता रानी की कलश की पूजा हो गई है। माता रानी की भी पूजा हो गई है, भोग प्रसाद सब लग गया है, आरती वगैरह भी हो गई है। देखिए, और ये देखिए, हमारे जवारे आज विसर्जन हो जाएंगे। इसमें से एक मैं छत पे रख दूंगी माता रानी के, एक को विसर्जन कर देंगे। अब देखते हैं, अगर मोटरसाइकिल या बाइक कोई भी छोटी मोटी गाड़ी निकलने देंगे तो पानी में विसर्जन करने जाएंगे, नहीं तो दूसरा भी देखेंगे क्या करना है। और जैसा कि ममता चौधरी आपने कमेंट किया था कि दीदी आपने जवारों पे लाल रंग की चुन्नी क्यों नहीं उड़ाई है, तो मैं आपको बता दूं ममता कि इसलिए नहीं उड़ाई थी क्योंकि बाजार में दुकानें सब बंद हैं और अब ये बड़ी मुश्किल से मैंने ये छोटी छोटी झंडियां दो बनवाई हुई हैं। देखिए, ये मैंने लगा दी हैं। और माता की खेती देखिए कितनी अच्छी हुई है। इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि हमारा साल किस तरीके से जाएगा। तो माता रानी ने अपना आशीर्वाद देते हुए हमें संदेशा दिया है कि खेती माता की बहुत अच्छी हुई है और खेती अच्छी होते ही ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि ये साल बहुत अच्छा जाएगा सभी का। माता रानी अपने भक्तों पे कृपा करेगी और बहुत ही जल्दी इस महामारी से हम लोगों को बचाएगी। अपने देश के तमाम साइंटिस्ट, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स तो लगे ही हुए हैं, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद भी हम सबको मिलेगा। देखिए, हमारा हवन हो चुका है, मैंने खुद ही किया है छोटा सा, क्योंकि ना तो हम पंडित जी को बुलवा सकते थे ना किसी और को बुलवा सकते थे हवन में। जैसा कि सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके चलते हम किसी को नहीं बुला सकते, ना भीड़ भाड़ इकट्ठी कर सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने छोटा सा हवन कर दिया है माता रानी का। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो भी किया है माता रानी इसी में प्रसन्न हो जाएंगी। तो फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। देखिए, सब हमारी पूजा वूजा सब हो चुकी है, संपन्न हो गई है पूरी पूजा। अब सिर्फ इनको उठाना है, जवारों को। देखिए, हमारी माता रानी की खेती बहुत अच्छी है। अब मैं ये सारे जवारे जो है एक उठा के माता रानी के ऊपर छत पे, यानी कि गुम्मट पे रख दूंगी माता रानी के मंदिर के ऊपर। और एक ये जो है, तो ये देखेंगे हम क्या करना है। अगर जाने देंगे पुलिसकर्मी या कुछ, तो देखते हैं इसको, या तो वृंदावासिनी माता के मंदिर में लेके जाएंगे या किसी और मंदिर में लेके जाएंगे, नहीं तो फिर अगर नहीं कुछ हो पाएगा तो छत पे ही रख देंगे दोनों। तो इसी के साथ आप देखिए हमारी रामनवमी के दर्शन जवारों के। देखिए, जय माता दी दोस्तों।